हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोपहर की क्लास में आप सबके लिए बाल विकास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ विकास की अवस्थाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपके यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल स्पिन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे इस पॉइंट वीडियो से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको 175 के आसपास पॉइंट दिए जाएंगे और आज की क्लास में इसका पार्ट वन, जिसमें लगभग आपको 55 पॉइंट जो कि शैशवावस्था पर आधारित हैं, वो पढ़ाए जाएंगे और पूरे व्याख्या के साथ समझाए जाएंगे। तो ये तीन पार्ट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तीनों पार्ट देखिएगा। विकास की अवस्था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से डेली आपके लिए अलग अलग क्लासेस लाते रहते हैं। ये आज की दोपहर की क्लास है। पहली क्लास सुबह 8 बजे आ चुकी है, जिसमें इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस का पार्ट वन लेकर आए थे और इसके साथ ही साथ कल दोपहर की क्लास में समावेशी शिक्षा टॉपिक कवर किया था। लिंक नीचे दिए गए, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की अवस्थाएं, तो मेनली देखिए विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं विकास की। कौन कौन सी? गर्भाधान अवस्था, जब बालक गर्भ में होता है, बच्चा गर्भ में होता है, वो अवस्था यानी कि ये लगभग 9 माह या 9 माह 10 दिन की अवस्था होती है। गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था कहा जाता है। इसका आयुकाल 9 माह 10 दिन का होता है गर्भाधान अवस्था। 5 अवस्थाएं होती हैं विकास की। ये मनोवैज्ञानिकों के नहीं, ये एक आपको जनरल बात बताई जा रही है, मनोवैज्ञानिकों के लिए आगे बताएंगे। अगला है शैशवावस्था, तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है दोस्तों शैशवावस्था। ठीक है, इतना याद हो गया आपको, याद करते चलिएगा साथ में ही। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, फिर आती है बाल्यावस्था, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था हो गई किशोरावस्था, और फिर आती है प्रौढ़ावस्था जो कि आपकी 18 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। ये आपकी विकास की अवस्थाएं बताई गई थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में बांटा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भाग बताए, कॉल थे जैसे उन्होंने 12 बताए थे, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अपने अपने दृष्टिकोण है, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो यही 3 भाग बताए गए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इतने बताए गए, 3। 0 से 6 वर्ष होती है शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष हो गई आपकी बाल्यावस्था, और 12 वर्ष से 18 वर्ष हो गई आपकी किशोरावस्था। और आगे जो आपके पॉइंट होंगे वो आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आज के मेन पॉइंट पर, मेन पार्ट पर, शैशवावस्था पर। शैशवावस्था के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको देखने हैं, याद रखने हैं, ये आपको आज की क्लास में क्लियर कराएंगे, बताएंगे। अच्छे से सभी पॉइंट याद कर लीजिएगा और एक भी पॉइंट गलत मत करना। एक नंबर शैशवावस्था से 1 या 2 नंबर 100% आपको सभी एग्जाम्स में मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या दिया, जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु जो होती है इसे शैशवावस्था कहा जाता है। जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु को, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 5-6 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 5 वर्ष तक माना है, कुछ ने 2 वर्ष तक माना है, कुछ ने 3 वर्ष तक माना है, लेकिन मेनली आपकी जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो दोस्तों सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो आपकी शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। बालक जन्म से ही अपने माता पिता, जो उसके आसपास लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे समझना प्रारंभ कर देता है, और जैसे जैसे लोगों से वो मिलता रहता है, ये समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, समाज से जुड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसमें धीरे धीरे उसका आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। थॉर्नडाइक का क्या विचार था, थॉर्नडाइक ने बताया था कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा किसमें रहता है, अर्ध स्वप्न में रहता है, ये कथन है थॉर्नडाइक का। अगला, एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई कितनी होती, कद का मतलब हाइट पूछी गई आपसे, तो दोस्तों ये 20 इंच होती है। एक नवजात शिशु जो होता है उसका कद या ऊंचाई होती है 20 इंच, याद रखिएगा। अगला, नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो 6 से लेकर के 8 पाउंड तक होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है, 6 से लेकर के 8 पाउंड तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था को
शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने बताया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और आपको जो पॉइंट बाई पॉइंट जो आपके कथन कराए गए थे, परिभाषाएं कराई गई थी, उसमें कथन आपको बहुत अच्छे से याद कराया था। तो दोस्तों ये वैलेंटाइन का कथन है, इन्होंने बताया था कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। तो ये दोस्तों शैशवावस्था में ही सबसे तेजी से शारीरिक विकास होता है, किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, याद रखिएगा। अगला विकास की प्रक्रिया होती है, तो विकास की प्रक्रिया तो दोस्तों ऐसी है, जन्म से लेकर के गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है बालक का। धीरे धीरे जैसे ही गर्भ में आता है बालक, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है, ये क्या विकास ही तो है, धीरे धीरे समझने लगता है, बुद्धि आती है, भूख लगने लगती है, सभी चीज़ें विकास के अंतर्गत ही हैं, विकास के अलग अलग पहलू के अंतर्गत आती हैं। तो गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक का जो भी क्रम होता है वो सभी विकास के अंतर्गत ही होता है, और व्यक्ति जो होता है वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। अगला, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो देखिए भाषा का विकास जो होता है उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बालक के घर का, उसके परिवार का, उसके माता पिता का, अन्य जो लोग हैं घर के उनका सबसे विशेष महत्व पड़ता है, इसीलिए परिवार को या घर को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, परिवार कहाँ रहता है, घर में रहता है, तो भाषा का विकास सर्वाधिक प्रभावित करता है घर के द्वारा, घर का प्रभाव बालक पर सबसे अधिक पड़ता है। अगला, शिशु की औपचारिक संस्था कौन सी होती है, तो देखिए परिवार जो हो गया, घर जो हो गया, ये अनौपचारिक होता है, यानी कि यहाँ बालक सीखता तो है लेकिन ये उसका उद्देश्य नहीं होता यहाँ सीखना, लेकिन औपचारिक संस्था यानी कि फॉर्मल इंस्टीट्यूट क्या होता है, वो विद्यालय कहलाता है, क्योंकि यहाँ बालक का उद्देश्य ही होता है, वो इसीलिए भेजा जाता है कि वो कुछ सीख सके। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अगला, शैशवावस्था में वृद्धि, तो शैशवावस्था में वृद्धि जो होती है वो तीव्र गति से होती है। अभी हमने आपको बताया था शारीरिक विकास को ही वृद्धि कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बालक का जो शारीरिक विकास होता है उसी को वृद्धि कहा जाता है, और ये वृद्धि जो होती है ये एक निश्चित अवस्था के बाद रुक जाती है स्वतः ही, क्योंकि ये वृद्धि की एक लिमिट होती है, इसका कोई ऐसा नहीं होता कि पेड़ पौधों की तरह हमेशा वृद्धि होती रहे, हमेशा बढ़ते रहें, एक निश्चित समय के बाद मनुष्य में वृद्धि की जो होती है वृद्धि रुक जाती है, नहीं तो कहाँ तक पहुँच जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर 90 साल तक व्यक्ति की हाइट बढ़ती रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो एकदम डायनासोर लगने लगेगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये एक निश्चित आयु के बाद, निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अगला, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो गतिविधियां होती हैं उनको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत। एक नंबर यहाँ से भी पूछा जाता है बाल मनोविज्ञान से, आगे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगला, व्यक्तित्व विकास की नींव किस अवस्था में पड़ती है, कब पड़ती है, तो बचपन से ही बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ जाती है, और जैसा उसका व्यक्तित्व होता वो उभर कर सामने आने लगता है, ये उसके परिवार के वातावरण के कारण या वंशानुक्रम के कारण संभव होता है, लेकिन वो उभर कर सामने आने लगता, दिखने लगता है, लोग कहने लगते हैं कि ये देखिए ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पढ़ने में होशियार है, तो ये सभी चीज़ें उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने के कारण होते हैं। अगला, शैशवावस्था के चार संवेग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो देखिए भय जब वो लगता है तो बालक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ये संवेग हो गया आपका। क्रोध, गुस्सा आने लगता है, नोचने लगता है, मारने लगता है, ये क्रोध हो गया। प्रेम, किसी से बहुत अधिक प्रेम होने लगता है तो उससे चिपकने लगता है और उसे उसके पास खेलने लगता है। अगला, पीड़ा, जब बालक को कोई दर्द होता है, कोई आंतरिक रूप से समस्या होती तब वो रोने लगता है। तो ये चार संवेग हैं जो कि शैशवावस्था में मुख्य रूप से बालक में देखे जा सकते हैं। ये देखें दोबारा से वही पॉइंट हो गया, 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, थॉर्नडाइक का कथन है, याद कर लीजिएगा। अगला, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यानी कि शैशवावस्था जो एज होती है यहाँ से बालक के जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यहीं से बालक कुछ बन सकता है, उसका क्रम निश्चित हो जाता है, ये एडलर का कथन है, एडलर ने बताया था, याद कर लीजिएगा। अगला, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है, यूपी टेट और DSSB के लिए तो इसे रट लीजिए बिल्कुल, सिगमंड फ्राइड का कथन है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में वह बन जाता है। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, आपको बताना सिगमंड फ्राइड ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, और बताइएगा अगर आप लोगों को इस पर एक क्लास चाहिए हो तो जल्दी आपको सिगमंड फ्राइड पर
पर भी अलग से क्लास दे देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा क्लास के एंड में। अगला, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, तो शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, निर्माण काल कहा जाता है। अभी ऊपर क्या कहा गया था कि जो कुछ बनना होता 4-5 वर्षों में बन जाता, तो 4-5 वर्ष शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। बनना क्या हो गया, निर्माण करना हो गया, तो ये आ गया आपका निर्माण काल। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध के दांत जो होते हैं, बालक के कमजोर दांत जो होते हैं, जो जन्म के लगभग 1.5-2 साल में निकल आते हैं, तो ये आप 1-1.5 साल में निकल आते हैं दूध के दांत, ये 20 निकलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। फिर ये कुछ समय बाद लगभग 8 से 9 वर्ष के बाद गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, किसी किसी के जल्दी भी गिरने लगते हैं, और दोबारा से पूरी 32 उभर कर आती है, ये दूध के दांत प्रारंभ वाले कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है, कितनी होती है दोस्तों, 270 होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। अगला, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो देखिए शैशवावस्था उम्र ऐसी होती है जिसमें बालक को दोहराने की, नकल करने की, करके सीखने की प्रवृत्ति जो होती सबसे अधिक होती है। आप कोई बात कहेंगे बालक कुछ नहीं बोल पाएगा, तो वो करके उसका कम से कम दोहराने की कोशिश करता है, तो ये प्रवृत्ति होती है बालकों में शैशवावस्था में, और वो धीरे धीरे इसी के आधार पर बोलना सीखते हैं। इसीलिए भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव परिवार का, घर का पड़ता है, क्योंकि बालक वहीं से बोलना प्रारंभ करते हैं। अगला, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्राइड ने बताया था कि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला है, फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ये ओडीपस ग्रंथि होती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा होती है, लड़कों में ओडीपस ग्रंथि होती है, याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई, अभी ऊपर इंच में दिया गया था, यहाँ सेंटीमीटर में, लगभग 51 सेंटीमीटर होती है औसत लंबाई, यानी कि सबका एक एवरेज बताया गया 51 सेंटीमीटर, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है। नवजात शिशु का भार कितना होता है, अभी आपको 6 से 9 पाउंड बताया गया था, 6 से 8 पाउंड, तो वही लगभग 3 किलोग्राम के आसपास होती है, 3 से 5 किलो, 3 से 4, 4.5 किलोग्राम के अंतर्गत होती है, याद रखिएगा। नवजात शिशु का भार, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, तो 1 से 1.5 वर्ष में बालक के सभी दूध के दांत निकल आते हैं, याद कर लीजिएगा। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, स्वप्रेम का मतलब होगा कि अपने स्वयं से प्रेम, जो बालक के साथ अच्छा व्यवहार करता है उससे, उसके पास बालक चला जाता है, जो बालक को जरा गुस्से से देख भी ले उसके पास नहीं जाता, ये सभी स्वप्रेम के अंतर्गत आता है, यानी कि उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है, बहुत ही मतलब अपने पर आधारित होता है, बालक शैशवावस्था में होता है, याद रखिएगा। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, कैसी रहती है, तो दोस्तों जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है, यानी कि कम ज़्यादा घटती बढ़ती रहती, नियमित नहीं होती, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं जन्म के समय। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, खनिज तत्व हो गए, ये हड्डियों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज लवण, ये सभी चीज़ें हड्डियों में पाई जाती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये आप लोगों की क्लास है बाल विकास की अवस्थाओं पर आधारित, जरूर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और एक एक चीज़ को क्लियर करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, अधिक से अधिक देखना है और शेयर करते रहना, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपको पसंद आएगी। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम लेकर आते हैं, और डेली आपके लिए 3 क्लासेज आती हैं, 1 सुबह 8 बजे जिसमें आज इंग्लिश पढ़ाई गई थी, 2 में 1 बजे जो अभी चल रही है, और शाम को 5 बजे लाइव क्लास होगी जिसमें आज EBS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लगभग आपकी क्लास 5:10 पर स्टार्ट हो पाएगी, तो सभी लोग लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इस प्रकार से उसे प्रेस कर दीजिएगा, उसके पास में एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सभी नोटिफिकेशन सेंड कर दिए जाते हैं, जरूर जुड़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, यानी कि ऐसे शब्द बोलने लगता है जिनका
इनका कुछ अर्थ हो और वो उनको समझ समझ कर बोल सकता है। तो दोस्तों ये 3 वर्ष का बालक हो जाता है तो वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है, करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों जब गर्भावस्था से ही बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यही पूछा कि शुरुआत कब से होती है, तो जन्म से पूर्व अगर दिया गया हो सीधे सीधे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा गर्भावस्था से, तो वहीं से बालक के जीवन की विकास की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, याद रखिएगा। अगला, विकास की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के समय बालक बालिका के से लगभग कितना होता है? तो ये लगभग आधा इंच लंबा होता है, यानी कि बालक की लंबाई जो होती बालिका की अपेक्षा लगभग आधा सेंटीमीटर अधिक होती है, एक या आधा सेंटीमीटर अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला, नवजात शिशु का भार अभी आपको बताया था 6 से 8 पाउंड होता है। किस अवस्था में दांत बनने शुरू हो जाते हैं? तो जन्म के समय शुरू हो जाते हैं दांत बनने। शैशव काल का नियत समय क्या होता है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष को शैशव काल कहते हैं। देखिए स्वकेंद्रित, अभी स्वप्रेम बताया गया था, अब स्वकेंद्रित बताया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए हो, आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट नोट्स पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर बाई चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उनके प्रैक्टिस सेट के साथ नोट्स, इसके अलावा लगभग आपके 1700 क्वेश्चन की PDF और अन्य क्वेश्चन, यानी कि सभी सब्जेक्ट के लगभग कंप्लीट नोट्स आपको अगर चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9140290052 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9140290052, यहाँ पर आपको ये सभी नोट्स की प्रोसेस बता दी जाएगी। थोड़ी सी फीस है क्योंकि ये नोट्स मैंने तैयार करवाए हैं या टाइप करवाए हैं, तो इसके लिए कुछ चार्जेस पड़ेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो किंडरगार्टन पद्धति जो होती है बच्चों को खेल द्वारा शिक्षा देने की पद्धति होती है, और इसका प्रतिपादन फ्रोवेल ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला, भूख और प्यास है। तो दोस्तों भूख और प्यास ये जन्मजात प्रेरक होते हैं, याद कर लीजिएगा। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है, अभी बताया था आपको। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? लगभग 280 दिन, यानी कि 280 दिन का मतलब क्या हो गया, 9 माह, और लगभग 10-12 दिन और हो जाता है कभी कभी। तो वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो निःशुल्क बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा या RTE 2009 के अंतर्गत रखा गया है। RTE 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कहा गया। समावेशी शिक्षा पर आपको क्लास कल दोपहर में दी गई थी, लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। पूरा आपका समावेशी शिक्षा का टॉपिक और 25 इंपॉर्टेंट बिंदु क्लियर कर दिए गए थे, जरूर देखिएगा। अगला, डाल्टन प्रणाली के जन्मजाता कौन है? तो अब इस समय जो सबसे अधिक चलने वाली प्रक्रिया डाल्टन प्रणाली, इसके मिस हेलनी पार्कहर्स्ट हैं, याद कर लीजिएगा। मिस हेलन पार्कहर्स्ट इसके जन्मदाता हैं। ये भी बच्चों को खेल द्वारा शिक्षा देने से संबंधित है। अगला, वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। तो आधे पिता पक्ष के आधे माता पक्ष के आनुवांशिक लक्षण होते हैं, कभी कभी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स पर निर्भर करते हैं, याद रखिएगा, वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण। अगला पॉइंट है दोस्तों, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, यानी कि उन्हें अपने से मतलब होता है और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कार्य करते हैं। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये दोस्तों आज की क्लास के आपके 55 पॉइंट क्लियर हो गए, लगभग थोड़े पॉइंट और रह गए, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो ये गोडार्ड ने किया था कैलीकॉक परिवार पर अध्ययन। अगला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल 7 वर्ष से 11 वर्ष का बताया था, जीन पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या होती है? तो शैशवावस्था में ही समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं, याद करते रहिएगा, घुमा घुमा कर, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन देखिए कितने तरीके से पूछे जा चुके हैं। अगला, मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेज देना चाहिए? तो दोस्तों 5 वर्ष की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। कब? 5 वर्ष की उम्र में।
अगला, दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। दूध के दांत लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक निकल आते हैं। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण करने लगते हैं? तो लगभग 9 माह से 15 माह के मध्य में, लगभग 1 साल से 1.25 साल के अंदर बालक ध्वनि का उच्चारण धीरे धीरे उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 500 ग्राम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। अगला, जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण होता है। बालक कैसा संवेगिक रूप से उत्तेजित होता है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और सिर्फ उसे अपने से मतलब होता है, स्वप्रेम की भावना होती है। तो आज की क्लास में दोस्तों ये आपका शैशवावस्था टॉपिक क्लियर हो गया। हमने आपको बताया है कि 3 क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे, शैशवावस्था का टॉपिक क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सभी नोट्स दे दिए जाएंगे। बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये दोनों की अलग अलग क्लासेस भी आपको जल्दी मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई अन्य टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलें, सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था। शाम को 5 बजे EBS की लाइव क्लास होगी, 5:10 पे स्टार्ट हो जाएगी, 5:10 तक, तो जरूर अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।